आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर बिना घी दूध दही के। ये देखिए कितना क्रीमी बना हुआ है। आप भी इस टाइप से जरूर एक बार बनाकर देखिए घर के सामने। हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी शाही पनीर, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये शाही पनीर बिना घी, बिना दूध, बिना दही, बिना काजू के ही बन जाता है। घर में जो भी चीजें हैं उनसे बन जाता है। इसमें फैट के लिए हम घी, दूध, दही की जगह कोई दूसरी सीक्रेट चीज इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। ये मैंने लहसुन और अदरक इतना लिया हुआ है, और ये मैंने 2.5 प्याज मीडियम साइज के लिए है, 2 टमाटर लिए हुए हैं। इन सबको मिक्सर में अच्छे से पीसना है, सबको अलग अलग पीसना है, प्याज को अलग, टमाटर को अलग और लहसुन अदरक को एक साथ हमको पीसना है। पीस के पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने मूंगफली दाना और ये तिली को अलग अलग भून लिया है, और ये दोनों को मिक्स करके पीसेंगे पानी डाल के। ये मैंने अमूल पनीर लिया हुआ है, मलाई पनीर, तो इसको मैंने भिगोने रख दिया। ये मैंने लहसुन अदरक पीस लिया, ये टमाटर पीस लिया, ये प्याज को पीस लिया, ये मूंगफली और तिली को पीस लिया अच्छे से। ये खड़े मसाले लिए हुए हैं मैंने, तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च और चक्री फूल, दालचीनी। ये ऑयल को गर्म करने रख दिया, इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डालना है। अब मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा को अच्छे से भूनते हैं। अब ये खड़े मसाले थे जो मैंने डाल दिए हैं, अच्छे से इनको पकाते हैं। ये शाही पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल शाही जैसा टेस्ट देता है। एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए। ये हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया है ऑयल में, और अच्छी तरह से हम इसको पकाते हैं। अब हमारा अच्छी तरह से 2 मिनट पक गया है प्याज। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और अच्छे से इसको भी हम पका देते हैं। अच्छे से हमारा ये पक जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो अच्छा कलर आएगा। और ये हल्दी डाल दी है, अभी ऑयल में इसलिए डाल दिया कि कलर अच्छा आए, क्योंकि मूंगफली दाना और तिली डालने से थोड़ा कलर फीका हो जाता है। ये जो टमाटर मैंने पीस के रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर डाल के अच्छे से पका लिया है, 2 मिनट पका लिया इसको। अब ये देखिए ऑयल छोड़ने लगा है कढ़ाई। अब हम अच्छे से इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। अब इसमें हम मूंगफली दाना का पेस्ट और तिली का पेस्ट जो था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद देखिए ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगेगा। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें बाकी के हम मसाले डाल देते हैं, धनिया पाउडर 2 चम्मची डालेंगे और गरम मसाला हम इसमें डालेंगे। जो भी हमारे घर में गरम मसाला है वो हम इसमें डाल सकते हैं। और गरम मसाला डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर इसको पकाते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें पानी, नमक ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे जितना भी हमें पानी ऐड इसमें करना है। ये हमने नमक और पानी ऐड कर दिया, तो एक बॉईल आने तक हम इसको पकाते हैं। अब एक बॉईल आ गया है इसमें, तो हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके, और पनीर जो था वो हम इसमें डाल के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। लीजिए बनकर तैयार है हमारा शाही पनीर। इसमें हमने क्रीमी टेक्सचर के लिए मूंगफली दाना और तिली डाला था, इससे हमारा एकदम फैट के लिए डाला था जो शाही पनीर का लुक दे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।